हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में अलग अलग क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले व्यक्ति को एक पहचान के तौर पर जाना जाता है, लेकिन सरकार में अधिकारी अपनी कलम और अधिकार की ताकत से भी जाना जाता है। पुलिस सेवा में अधिकारी बहुत बनते हैं, मगर जनता के बीच पहचान बहुत ही कम लोग बना पाते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक महिला ऑफिसर की है, जिन्होंने अपनी लेडी सिंघम के नाम से पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि अपराधों के खिलाफ सख्ती के लिए मिसाल भी बन गई हैं। हम बात कर रहे हैं सीकर जिले के कुंदन गांव में जन्मी प्रीति चंद्रा की, जिनका जन्म 1979 में हुआ। वर्तमान में करौली जिले की पुलिस अधीक्षक हैं। राज्य सरकार ने 2008 बैच की IPS चंद्रा को जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन के पुलिस उपायुक्त के पद से यहाँ लगाया है। चंद्रा ने पत्रकार से लेकर IPS तक का सफर तय किया है। उन्होंने MA MPhil तक शिक्षा पूरी की है। उन्होंने बूंदी में देह व्यापार में बच्चियों को धकेलने वाले गिरोह का खुलासा कर अब आरोपियों को सलाखों तक पहुंचाया है, जिससे उन्हें लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। IPS प्रीति चंद्रा के अनुसार कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी काम एक ही जैसे हैं। किसी भी काम को करते समय यही सोचना चाहिए कि आपसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता, अपने काम में बेस्ट देना चाहिए। यह बात युवा समझ जाएंगे तो देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उनका कहना है कि उन्होंने जहां काम किया अपना 100% दिया। चंद्रा ने पत्रकार से लेकर IPS तक का सफर तय किया है। प्रीति चंद्रा कहती हैं कि उनकी माँ ने तो कभी हाथ में पेंसिल तक नहीं पकड़ी थी। हम दो बहनों और एक भाई को पढ़ाने के लिए जिद रख ली। प्रीति जब कॉलेज में आई तो रिलेटिव ने उन पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन माँ ने प्रीति का साथ दिया और रिलेटिव्स को साफ इनकार करती नहीं। दोनों बहनों ने इंटर कास्ट मैरिज की, लेकिन वो माँ हमेशा सपोर्ट में खड़ी रहीं। चैलेंजिंग करियर में सपोर्ट सिस्टम ना हो तो चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। प्रीति कहती हैं, पति विकास पाठक के अलावा मेरे गांव की एक 22 साल की लड़की मेरा सपोर्ट सिस्टम है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से गांव में वो पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसकी पढ़ाई से लेकर शादी का जिम्मा उठाया है। वो मेरी बड़ी बेटी की तरह है, और जब मुझे कई दिन तक टूर पर जाना पड़ता है तो वो मेरे घर और बेटी का ध्यान रखती है। मैं भी अपनी बेटी को सिर्फ आज़ादी देना चाहती हूँ, जिससे वो बिना सरहदों के आसमान में पंख फैला सके। IPS प्रीति चंद्रा की टीम ने चंबल के बीहड़ों में कई बार एक्शंस लिए। अब तक 10,000 रुपये की इनामी डकैत हरिया गुर्जर, रामलखन गैंग के श्रीनिवास डकैतों को शरण देने पर व उन तक पुलिस की सूचनाएं पहुंचाने वाले श्रीराम गुर्जर और कला आदि डकैतों को पकड़ चुकी हैं। अब तक 7 से ज़्यादा दस्यु और डकैतों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा, और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।